मुरैना जिले के टोंगा गांव में गंभीर संकट ने लोगों को चिंता और भय में डाल दिया है। टोंगा रिजर्व डैम में आई दरार जो 24 घंटे पहले महज 15 इंच थी, अब बढ़कर 20 फीट हो गई है। इस दरार से लगातार पानी का बहाव हो रहा है, जिससे 4 गांव पहले ही डूब चुके हैं, जबकि 20 गांव पर अब भी खतरा मंडरा रहा है। टोंगा गांव और आसपास के क्षेत्रों में लोग डरे हुए हैं। उनकी फसलें पहले ही बर्बाद हो चुकी हैं और अब उन्हें अपने घरों को छोड़ने की चिंता सता रही है। लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। ग्रामीण बताते हैं कि लगभग 400 बीघा खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे करीब 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जब तक डैम का पानी पूरी तरह खाली नहीं हो जाता, तब तक मरम्मत का काम संभव नहीं है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासनिक सुस्ती के कारण स्थिति इतनी विकट हो गई। सोमवार शाम 4 बजे दरार देखी गई थी, लेकिन इसे ठीक करने के प्रयास शुरू नहीं किए गए। रात 8 बजे तक पानी गांव में घुस चुका था, जिससे लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। मंगलवार सुबह 6 बजे दरार और बढ़ गई, जिससे डैम की दीवार ढह गई और पानी का बहाव तेज हो गया। इस घटना ने 6 गांवों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। टोंगा देवपुर और आसपास के गांव के लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। सायरा बानो उर्फ मुमताज अपने पति और 2 बच्चों के साथ सबलगढ़ की सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। लोगों के सामने अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे कहां जाएं, उनके खेत डूब चुके हैं, घरों में पानी भर गया है और उनकी फसलें नष्ट हो चुकी हैं। कुछ ग्रामीणों ने एनडीआरएफ की मदद से ऊंची जगहों पर शरण ली है, लेकिन उनके सामने आगे की जिंदगी कैसे चलेगी, इसका कोई जवाब नहीं है। स्थानीय विधायक सरला रावत ने प्रभावित गांव का दौरा किया, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने केवल खानापूर्ति की और कुछ नहीं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन को अब तेजी से कदम उठाने की जरूरत है, लेकिन अफसोस, जब तक डैम का पानी पूरी तरह नहीं निकल जाता, तब तक मरम्मत का काम नहीं हो सकता।